जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें आपकी तरफ से मुझे प्रेरणा मिलनी बहुत आवश्यक है। पूरा वर्ष मैंने अंग्रेजी में बात करती हुई बिताई है, तो मैं वर्ष का समाप्ति हिंदी में बात करके करना चाहूंगा। जैसा कि अभी मोहतरमा ने बताया, मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर, अंग्रेजी में अगर कहूं तो मोटिवेशनल स्पीकर और हिंदी में प्रेरक के नाम से जाना जाता हूं। भारत और विश्व के 92 देशों में हर महीने में मैं लगभग 50 से 70 हजार लोगों के साथ कनेक्ट होता हूं। 3 भाषाओं में मैं लोगों को संबोधित करता हूं, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली। मेरी पैदाइश कलकत्ते शहर में हुई और मैं जब इस पृथ्वी पर उतारा गया, जब मेरी चेतना जागृत हुई, मैं जब कॉन्शियस अवस्था में आया तो मैंने कुछ शब्द सुने, वो मैं आपको सुनाता हूं, जो जनरली एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में सुनाया जाता है। पहले शब्द ये थे, जितनी चद्दर है। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। हवाई किले मत बनो, साए इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये सारे शब्द मेरे कानों में आए और मुझे लगा कि बस बड़ा होना है, एक नॉर्मल नौकरी मिल जाए और वो भी कौन से डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं नाम ही कुछ ऐसा है, बस एक नौकरी मिल जाए, 9 से 6 काम करूं और 6 बजे के बाद घर पहुंच जाऊं और 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, 65 साल में हार्ट अटैक हो जाए फिर चला जाऊं। ये एक फिक्स्ड सिक्योर बेहतरीन लाइफ है जिस तरह से मेरी प्रोग्रामिंग की गई कि बेटे फर्स्ट क्लास तालीम हासिल करो, इतना इतना करना है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक तालीम मेरी वो चल रही थी जो मेरे पिता दे रहे थे, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, और मेरे पिता के साथ साथ मेरे स्कूल में भी ये तालीम दी गई। लेकिन उसी स्कूल में एक दूसरे तरह के अध्यापक थे जिनको मैं कहता हूं मेरे साइकोलॉजिकल पिता, मेरे मानसिक पिता, मेरे स्पिरिचुअल पिता, मेरे मोटिवेशनल पिता। उनकी तालीम कुछ अलग थी। उनकी तालीम में यह था कि जब तक तुम अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, जब तक तुम अपने आप को डायनेमिक नहीं बनाओगे तब तक लीडर बनना संभव नहीं है, जब तक नई सोच नहीं लाओगे तब तक दुनिया तुम्हारी तरफ आने वाली नहीं। और उन्होंने यह भी सिखाया, मेरे पिता ने और मेरे जो कन्वेंशनल टीचर थे वो मुझे सिखाते थे कि जब तक अंग्रेजी का ज्ञान पूरी तरह ना हो जाए बोलने की कोशिश मत करना, जब तक मंच पे पूरी तरह बोलने की कला ना सीख लो आने की कोशिश मत करना। लेकिन मेरे मानसिक पिता ने सिखाया, जो तुझे अंग्रेजी में ठीक लगे बोलना शुरू कर, जिसको समझ में ना आए उसकी प्रॉब्लम। थोड़ा जोर से हो जाए। मेरे पिता ने जो शब्द मुझे दिए मैंने आपसे कहे, मेरे मानसिक पिता ने जो शब्द मुझे दिए मैंने आपसे कहे, लेकिन मेरे अंदर 11 साल की उम्र से एक बहुत स्पष्ट, बहुत ही क्लियर सपना था कि मुझे ना अपने पिता का व्यापार संभालना है, ना मुझे कोई बिजनेस करना है अपने पिता का, मुझे वही करना है जो मेरा जी 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 है, गॉड गिवन गिफ्ट। मैं अंग्रेजी में बोल गया, हिंदी में बोल गया, ईश्वर का दिया हुआ उपहार। और मुझे पता था मेरा उपहार क्या है, क्योंकि मेरे कॉलेजेस में, मेरे स्कूल्स में मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन जब मंच पर बोलने की बारी आती थी तो मेरे स्कोर 100 में 100 होते थे, 100 में 100। वहां मैंने कभी फेल नहीं किया। तो मुझे याद है मेरे गांव में क्लास 6 में जब मैंने सम्राट अशोक की भूमिका निभाई, अभी भी वो याद आती अपने आप तन जाती है बॉडी, है ना, सम्राट अशोक की भूमिका जब मैंने निभाई तो मेरी क्लास टीचर ने मेरी माता जी को बुला के कहा था, मैडम आप आइए कल मिलिए, कुछ अच्छी खबर है आपके लिए। पहली बार मेरी माता जी को स्कूल में बुलाया जा रहा है, इससे पहले तो बुलाया नहीं गया, कोई खबर ही अच्छी नहीं थी। और जो बुलाया गया तो कहा, देखिए मैं आपको ये हिदायत देती हूँ, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है ये कर लेगा, लेकिन आप इसको किसी नौटंकी में डाल दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। उन्होंने भले ही मजाक कहा हो, लेकिन उनके मजाक में मेरा करियर काउंसलिंग हो चुका था। मुझे किसी MI टेस्ट की जरूरत नहीं थी, मुझे किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं थी। मैंने उनके मजाक को बड़ा सीरियस लगा, मैंने कहा अगर मंच पर आकर बोलना मेरी फितरत है, मुझे अच्छा लगता है और ये मेरी हॉबी है, और अगर मेरी हॉबी मेरी प्रोफेशन बन जाए तो सोने में स्वर्ग। दोस्तों मैं यही काम स्कूलों में करता हूं, बस मैं हर बच्चे की आंख में खोजता हूं कि ये जो कर रहा है, जो परसेंटेज ला रहा है ठीक है, लेकिन इसकी हॉबी क्या है, ये किस लिए पैदा हुआ है। जानकार ये कहते हैं हर व्यक्ति एक रेडीमेड DNA लेके पैदा होता है, रेडीमेड। दुर्भाग्य है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर अभी तक वो सिस्टम इंक्लूड नहीं हुआ, और जैसा कि जोशी साहब ने बताया अब लगता है इंक्लूड होने वाला है, कि हम क्लास में ही 12वीं क्लास तक ही बच्चों को पहचान जाए इसके DNA में क्या छुपा हुआ है।
और अगर पहचान कर उसको गाइड कर सके तो इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट नाम की प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के। मेरी खुशकिस्मती यह है कि मुझे पहले से तैयार कर दिया गया था और उस समय ऐसे कोर्सेज भी नहीं होते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं होते थे, लेकिन उस समय की टीचर्स बड़ी गजब होती थी, उनका तरीका ही काम करने का अलग था। मुझे याद है एक शब्द मेरे जहन में बैठता ही नहीं था और उम्मीद है आप भी इसको जब सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा, उसका नाम है एसेसिनेशन। बड़ा लंबा है, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सुबह तक रट्टा लग के साफ होगा, एसेसिनेशन। अब मैं पढ़ता जाऊं कभी एस मिस हो जाए कभी आई मिस हो जाए, समवेयर और दी अदर आई एम मिसिंग वन ऑफ दी अदर अल्फाबेट्स। तो मेरी जो क्लास टीचर थी, प्रिंसिपल मैम जो मेरी थी, मिसेस रोजारियो, एंग्लो इंडियन थी, उस समय भी मुझे एक विदेशी माहौल देखने का अवसर मिला, मिसेस रोजारियो। और जब वो क्लास में आती थी, आजकल तो मैं देखता हूं टीचर को कहना पड़ता है बैठो, लेकिन मैंने उनको कभी चिल्लाते भी नहीं देखा, उनकी मौजूदगी काफी थी बच्चों को बैठाने के लिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं, क्या मैं पहुंच पा रहा हूं आप तक? उनकी मौजूदगी, द होल पर्सनैलिटी ऑफ माई प्रिंसिपल वॉज सच, द मोमेंट शी कम्स एंड लुक एट एवरीबडी एंड द होल क्लास डाउन फिनिश गो डाउन टेल मी मैम व्हाट कैन वी डू फॉर यू। और उन्होंने मुझे बुलाया, कम हियर मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, कल्पना कीजिए इतनी शोहरत इतनी इज्जत छठी क्लास में किसी को मिल जाए तो और क्या चाहिए। कम हियर मिस्टर अग्रवाल, मुझे लग रहा है तुम्हें ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा जी मैडम, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, दिस इज अ वेरी टफ वर्ड, इट डजंट गो। लेकिन हमारे यहां दुविधा ये है कि हम स्कूल में कंपैरिजन जब कर देते हैं, तुलना जब पैदा कर देते हैं, तेरे मार्क्स अच्छे तू ज्यादा बढ़िया, तेरे मार्क्स खराब तू, बस ये तुलना जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे चार बीमारियों को जन्म देता है। क्योंकि मैं साइकोलॉजी में डील करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं, पहली बीमारी है डर, दूसरा है जेलेसी, तीसरा है हेट्रेड, चौथा है समाज और परिवार और सबके प्रति नकारात्मक भाव, और उसके बाद आती है गिल्ट। ये पांच बीमारी अगर बच्चा झेल गया और निकल गया फिर उसको रोकना मुश्किल है। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नहीं झेल पाते, तो आप देखते हैं सुसाइड केस होता है। तो बड़ा सतर्क रहना पड़ता है किन शब्दों का चुनाव करते हैं, किस भाषा का उपयोग करते हैं। एंड शी सेड कम हियर मिस्टर अग्रवाल। मैं उनके पास गया, आज मैं तुझे ये शब्द परमानेंटली याद करा दूंगी। आई सेड हाउ मैडम आई कांट डू, शी सेड यू कैन, एंड शी सेड सबसे पहले कल्पना कर तू गधा है। मैंने कहा ये कैसा मोटिवेशन, ये कैसी तरीका पढ़ाने का, आर्ग्यूमेंट नहीं कल्पना करो। चलो मैडम मैं गधा हूं, गधे की अंग्रेजी, मैंने कहा डंकी, नो दूसरी वाली, मैंने कहा एस, तेरे ऊपर एक और गधा है, एस एस गुड, उसके ऊपर मैं खड़ी हूं, आई, उसके ऊपर राष्ट्र है नेशन, अब इन चारों को जोड़ दे, आर यू देयर विद मी, काम खत्म, काम खत्म। अब इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी इसको सिखाने के लिए, इन्होंने कोई बात, इन्होंने ट्रेनिंग नहीं, इनका एक पैशन एक जुनून था कि मेरा ज्ञान बेकार है अगर मैं उस ज्ञान को अपनी कुशलता से डिलीवर करने में असमर्थ हो जाती हूं, तो मेरा ज्ञान बेकार है अगर मैं उस ज्ञान को लोगों के दिल तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाती हूं, मैं बेकार लीडर हूं। दोस्तों उसी टीचर ने मुझे दो शब्द और सुनाए जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहला शब्द था जो मुझे पहली बार पता पड़ा, लीडरशिप। इसके पहले लीडरशिप क्या है मुझे पता ही नहीं पड़ा। मैं समझता था लीडरशिप का मतलब है कि थोड़े पैसे कमा लो, थोड़ा बैंक बैलेंस कर लो, रोल्स रॉयस 3-4 खरीद लो, कुछ अच्छी सी ड्रेस खरीद लो, कुछ बड़ी ज्वेलरी खरीद लो, पहन लो, लोगों के सामने आ जाओ, आप लीडर बन गए। उन्होंने कहा ये सब परिचय है, लीडर नहीं है, क्योंकि ये सब पहना भी दूंगी और अंदर में तू खोखला है तो काम नहीं बनने वाला है। और पहली बार जीवन में लीडरशिप का शब्द बचपन में सिखा दिया गया था। उनकी परिभाषा लीडरशिप की कुछ ऐसी थी, जिस दिन तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए, जिस दिन तू एक इंस्टीट्यूशन बन जाए, जिस दिन तेरी चाल ढाल बात हर चीज पे लोग कहें मुझे इससे भी बढ़िया बनना है, समझ लेना तू लीडरशिप की रास्ते पे चल पड़ा है। मिसेस रोजारियो, क्लास 6, मैं कभी नहीं भूल सकता, तब बच्चा था जिसे पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन मन में अचेतन मन में कहीं ना कहीं ये वाक चल रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि आज और बेटर बनूं, आज और बेटर बनूं। एक चीज मैंने की अपने अंदर, जो मैं अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज में, सेमिनार्स में, भारत और भारत के बाहर जहां भी जाता हूं लोगों से शेयर करता हूं, एक चीज जो मैंने की, मैंने सबसे पहले सबको ब्लेम करना बंद कर दिया। द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई स्टॉप कंप्लेनिंग, आई स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, आई स्टॉप कंडेमिंग, एंड आई सेड कल सुबह जब मैं जागूंगा तो मेरे जीवन की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अभी बात हो रही थी सिस्टम के ऊपर, टीचर के ऊपर, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जीवन का नियम है
चीजें नहीं बदलती हैं, लेकिन जब हम बदलते हैं चीजें अपने आप बदल जाती हैं। जब हम नई सोच लेकर आते हैं चीजें अपने आप बदल जाती हैं। मैं दिल्ली शहर में पहली बार जब आया, मैं दिल्ली से बिलोंग नहीं करता हूं, पर पैदाइश और परवरिश मेरी कलकत्ते में है। सो व्हेन आई केम टू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब मैंने आके यहां पे किसी से कहा भाई क्या हाल है, आप लोग कैसे हो, तो एक अजीब सा आंसर मिला, कट रही है। तो मैंने, मुझे नहीं पता कट रही है, एक चलता फिरता वाक्य है। मैंने कहा कहां से कटी। नहीं आप गलत समझ गए, हमारे यहां ये ऐसी कल्चर है, जब कोई किसी से पूछे क्या हाल है तो कट रही है। दोस्तों किसी व्यक्ति के बारे में अगर पता लगाना हो ना, तो मैं आपको एक बड़ी साधारण सी सलाह देता हूं, वो मंच पे क्या है भूल जाइए, प्राइवेटली उसके साथ थोड़ा समय बिताइए। स्वामी विवेकानंद का कहना है, अगर व्यक्ति को जानना है तो वो अपने से नीचे व्यक्तियों के साथ कैसे पेश आता है, बस समझ लीजिए वही व्यक्ति का परिचय मिल जाता है आपको। जब मुझे इस व्यक्ति ने कहा कट रही है, तो मैं एक चीज समझ में आ गया था, इसकी जिंदगी कट रही है, इसमें कोई जोश, कोई उत्साह, कोई गोल, कोई ड्रीम नहीं है। मेरे पहले ट्रेनर जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली बहुत सालों के बाद, और उसके बाद काफी ट्रेनर्स आए, मैं नाम लेता, जो मेरी ब्लॉग के ऊपर सारे ट्रेनरों के नाम मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप rajeshaggarwal.in पे जाइएगा तो पूरे ट्रेनर्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं। लेकिन जिस ट्रेनर ने मेरी जिंदगी बदली, उन्होंने मुझे पहला प्रश्न ये किया, द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड एंड ही सेड, मिस्टर अग्रवाल, कैन आई सी योर गोल्स, डू यू हैव अ लिस्ट इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पॉकेट में तुम्हारे लक्ष्य की लिस्ट है, आने वाले 5 साल में तुम क्या करने वाले हो, कितनी ग्रोथ, कितनी प्रोग्रेस। हम लोग जब गोल की बात करते हैं तो हम अजीब चीज सुनने को मिलते हैं लोगों में, गोल मेरा लाइफ ही गोल है, जीवन ही गोल है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, चाहे आप पीएन हो या प्रेसिडेंट हो, मुझे आपकी ओहदा, आपकी पदवी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जोशी साहब ने बताया था हम क्या हैं और हम कैसे करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं स्पष्ट नहीं हूं अपने काम में, तो मैं हमेशा अपने आप को कंफ्यूज पाऊंगा। आप देखते हैं कुछ लोग, जब कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी फलाना कर लूं, कभी ढिकाना कर लूं। पहली चीज जो मैंने सीखी और जो मैं शेयर करता हूं, और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं टीच करता हूं, मैं एजुकेट करता हूं, मैं सिखाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है इस दुनिया में आप उसी व्यक्ति को सिखा सकते हैं जो सीखने में फिल अप द ब्लैंक। लोग मुझसे पूछते हैं, बट राजेश जी ज्यादातर लोग नेगेटिव है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नेगेटिव, कैन यू टेल मी द रीजन, हम तो अच्छा करना चाहते हैं पर लोग हमें सपोर्ट। मैंने कहा हाँ बताता हूं, when somebody says most of the people are negative, ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं, तो मैं कहता हूं चलो इसी क्वेश्चन को आप दोबारा मुझसे पूछो, ज्यादातर लोग नेगेटिव क्यों हैं। अंग्रेजी में अगर कहेंगे why most of the people are negative, इसको दोबारा पूछो और मैं आपको बताऊंगा क्यों है वो नेगेटिव। और मैं आपसे कहता हूं, आइए थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को जहां से आप बैठे हैं थोड़ा बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आप इस क्वेश्चन को रिपीट करें, व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर, और व्हाई पीपल आर नेगेटिव, इस क्वेश्चन को आप जरा जोर से पूछें मुझसे, व्हाई पीपल आर नेगेटिव, इतना इससे भी जरा डबल करें, एक बार और, व्हाई पीपल आर नेगेटिव, आई डोंट नो। In those vibrating, dynamic, excellent people who are positive. Is that okay with you? Is that okay with you? मैं उनके साथ ही रिलेट करता हूं जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। मेरे दोस्त यार भी चाहे बाल सफेद क्यों ना हो गए हो, वही हूं जो आगे की सोचते हैं। मैं उनके साथ रिलेट ही नहीं करता हूं जो मैदान में या अपने प्राइवेट गार्डन में कार्ड खेलते हुए देश के विषय में चर्चा करते हैं, इस देश का क्या होगा, फायदा नहीं है चर्चा करके। John Kennedy says, "Don't ask what America has done, country has done for you." अगर उसको इंडिया में लिया है, "Don't ask what Manmohan Singh has done for you. Let's ask what we have done for Manmohan Singh. What we have done for people." हर रोज सुबह मीडिया में आप देखें, ये बेकार सरकार, ये गई सरकार, ये नीयत खराब हो गई है, फलाना खराब हो गई है, ढिकाना खराब हो गई है। जानकार ये कहते हैं कि न्यूज को बार बार अचेतन मन में डाला जाए तो पूरे समाज का मानसिक चेतना वहीं तक पहुंच जाता है। एक पॉजिटिव न्यूज भी है वहां पे, वो भी देखने का हम प्रयास करें। अभी मैं सुन रहा था एक आध्यात्मिक चैनल आए हैं,
उन पर एक मैडम को सुन रहा था जो कि स्पिरिचुअल गुरु है, और वो कह रही थी कि सुबह आपका अचेतन मन बिल्कुल सतर्क होता है चीजों को ग्रैस करने के लिए, क्योंकि सामने रात को चेतन मन सो जाता है, अचेतन मन अटेंशन में होता है। सुबह का न्यूज़पेपर की पहली रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं, अचेतन मन में गया नहीं, और अचेतन मन हमारी पूरी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लें, तीन बात अच्छी निकलेंगी तो चौथी नेगेटिव पक्का निकलेगी। क्या करें अगर हमें पूरी अपनी सोच बदलनी है, नई छवि लानी है, नया इंसान बनना है। पहली बात तो हम ये स्वीकार करें जिनको करना है, क्योंकि मैं ये जानता हूं 10 में से 3 लोग बदलने के लिए राजी होते हैं और 1 बदलता है, 9 बदलने की बात करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे, 10 में से 3 लोग बदलने की बात करते हैं, केवल 1 बदलता है, बाकी बदलने के ऊपर विचार करते हैं। एक दिन हम बदलेंगे, वी विल ओवरकम वन डे, बट दे डोंट चेंज। क्यों नहीं? क्योंकि वो फिक्स्ड है, माइंडसेट फिक्स्ड है, इससे उम्र का कोई लेना देना नहीं। 4-5 मोटी मोटी बातें हैं अगर मुझे बेटर लीडर बनना है। मोटी मोटी मैं सीधा अटैक करता हूं, ज्यादा घुमा के चीजों को नहीं रखता हूं। मैं अगर टीचर हूं, प्रिंसिपल हूं, पीएन हूं, प्रेसिडेंट हूं, चेयरमैन हूं, स्पीकर हूं, पॉलिटिशियन हूं, पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्लैरिटी से लेना देना है। तो मैं क्या करूं अगर मैं बदलना चाहता हूं? पहली चीज जिसकी शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी, अपने आप से बात। 2 प्रश्न है, मुझे क्या चाहिए और उसको कैसे पाना है, वॉट आई वॉन्ट एंड हाउ टू गेट इट। अगर ये क्लैरिटी है मेरे अंदर कि मुझे आने वाले 5 साल में अपने जीवन से क्या चाहिए, तो चीजें घटनी शुरू हो जाएंगी। आपने सुना होगा अंग्रेजी में, गॉड हेल्प दोज। अब ये सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप वो जानते हैं, हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जीज काम कर रही है। हम जिस प्रकार के विचारों की तरंग निकालते हैं, उसी प्रकार के लोग हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। प्रयास करके देखें, मेरी बात को जरा एक्सपेरिमेंट करके देखें। 21 दिन तक आप नकारात्मक विचार निकालें, मुझे चोरी करनी है, मुझे डकैती डालनी है, मुझे किसी को मारना है, किसी को काटना है, यार दोस्त अपने आप वैसे मिल जाएंगे और अच्छा सजेशन दे जाएंगे, देखो कैसे चोरी की जाती है, मैं पूरा तरीका तुमको बता देता हूं। जो विचार हम मन से निकालते हैं, वैसे ही लोग, वैसे ही माहौल हमारे आसपास पैदा होना शुरू हो जाता है। और आप 21 दिन तक प्रयास करके देखें, वाह, मोटिवेशन बाहर से भीतर नहीं आता है, भीतर से बाहर जाता है। अगर मैं पॉजिटिव हूं, अगर मैं नई बॉडी लैंग्वेज के साथ, एनर्जी के साथ अपने स्कूल, अपने कॉलेज में एंटर कर रहा हूं, और मैं बेसिक कट सी है विश करता हूं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीबॉडी, तो क्या आप उम्मीद करते हैं सभी लोग आपको बोलेंगे वेरी बैड मॉर्निंग। पहली चीज, वापस लौटते हैं अपने टॉपिक में, अगर मुझे एक नए तरीके से समाज में अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो हम जरा ये बात समझ लें कि मोटिवेशन, लीडरशिप कोई रेडीमेड फंडाज नहीं है, वो बाहर से नहीं आती है। पहला मैसिव ड्रास्टिक चेंज मुझे जो करना है, अगर मैं करना चाहता हूं, तो जो मैंने किया कि मुझे अपने पास्ट की सभी नेगेटिव मेमोरीज को बाय बाय कहना पड़ेगा, और मुझे अपने फ्यूचर को इतना पॉजिटिव तरीके से देखना पड़ेगा कि मैं एक बेहतरीन देश का बेहतरीन नागरिक हूं, जिसमें कैपेसिटी है पूरे विश्व को एजुकेट करने की, और मैं अगर यहां बेटर हूं तो पूरी दुनिया तक मैं पहुंच सकता हूं। ये बड़ी पिक्चर अगर मन में मैं नहीं देख रहा हूं, तो मैं लोगों को दिखाने में कामयाब नहीं होऊंगा। लीडरशिप यहां से शुरू हो जाएगी। मैडम, आर यू देयर विद मी? अब मुझसे कहते हैं लीडर, अरे 4-5 चीजें लीडर के अंदर, LEADER, लेट्स बिगिन वन बाय वन। L स्टैंड्स फॉर, आई एम गिविंग यू नोट्स टू बी मेड इन मेंटली और फिजिकली, जैसा आपको ठीक लगे। L स्टैंड्स फॉर लवर। नोबडी सेड, जीआरडी टाटा सेड अ लीडर इज अ लवर। इफ यू डोंट नो हाउ टू लव, यू कैन नॉट बी अ लीडर, इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर जेलसी, हेट्रेड, नेगेटिव, बैकबाइटिंग, ग्रीड, गिल्ट है, कैसे आप डिलीवर करेंगे? अच्छी चीज हो नहीं पाएगी, एनर्जी लेवल सक कर लेगा, खींच लेगा। एल स्टैंड्स फॉर लवर। आई कैन टेल यू विथ माई एक्सपीरियंस, मैंने 10 लाख से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है, 18 साल से लेकर 80 साल तक के लोग, और 9 साल से लेकर 18 साल तक के लोग। 80 साल के व्यक्ति को भी प्यार से अप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है, यू कांट डिनाई। L stands for lover. Let's go to E. E stands for energy, enthusiasm.
your hands and heart and brain and eyes and expression and soul and dream, everything put together becomes you. God has given you so many tools. Now, haven't you seen some people, when you shake hand, it falls tuck. Handshaking. E stands for energy. You got me, right? Now, here we go, now the one, L-E-A. A stands for ambition. Aap principal hai, teacher hai, peon hai, president hai, chairman hai, I don't care. But agar aap ambitious nahi hai, toh josh nahi aayega. So, E-A stands for ambition. Now, here comes L-E-A-D. Ye sabse important hai, jahan log chukte hai. Daring. Courageous, daring, decision lene ki chhamta, naya sochne ki chhamta, नया काम करने की क्षमता. रतन टाटा कल रिटायर्ड हुए और उन्होंने कहा है, मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी. I always, you know, endorse my emotional instinct. जो इसने बोला मैंने वो किया. There are some schools, there are some center, there are some organization, वो नहीं करना चाहते. But you are not one of them. आप उस 1% की कैटेगरी में आते हैं, 9% की कैटेगरी में नहीं आते हैं. आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं. और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? डूइंग सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे इज क्रिएटिविटी. आर वी देयर? उसी काम को अलग तरीके से करने का नाम है क्रिएटिविटी. काम अलग नहीं होता है, उस काम को करने का तरीका अलग है आपका. काम इज सेम, तरीका इज डिफरेंट. हम हाथ मिलाते हैं, काम इज सेम. कोई हाथ मिलाता आपको लगता है वाओ, मुझे और थोड़ा इस व्यक्ति के साथ बैठना है. कोई हाथ मिलाता आपको तो भाग जाना ही ज्यादा अच्छा है, जितनी देर तक ये रहेंगे काम खराब होगा. डेयरिंग मतलब हमेशा नई तरीके से करने की कैपेसिटी. सोचते रहे पूरे सप्ताह जो मैंने आपसे बात की है, एंड से माय टुडे व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट आई गॉट टू बी डिफरेंट इन माय एक्सप्रेशन, इन माय लैंग्वेज, इन माय वर्ड्स. लेट मी ओनली यूज एनकरेजिंग वर्ड्स. लेट मी नॉट से इस जन्म में तो बेटा तेरे बस की नहीं है. हैव यू हर्ड दिस? कभी? मैंने बहुत सुना है, बहुत ज्यादा. कान पक गए मेरे कन्वेंशनल टीचर और मेरे सो कॉल्ड फादर के साथ, लेकिन मेरे क्रिएटिव टीचर, माय गॉड, शी सेड इसी जन्म में तेरे बस की होगा बेटे, मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन एक दिन आएगा. आफ्टर माय परफॉर्मेंस शी सेड, मेरी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने बोला, अ डे इज गोइंग टू कम मिस्टर अग्रवाल, you will stand up front of people, people will clap for you, I will not be alive to see, but the day is going to come and it has come. Thank you, madam. And jaise hi aap cross karoge, log wait karenge ki agla vaak kya hoga, agla sentence kya hoga, agla. And she said, main tab tak nahi rahungi. Unfortunately, she's not there. But she's here. She's here in my soul. Daring. Doing same thing in a different way. So here we go. L, lava. E, energy. A, ambition. D, daring. E, again. Again E. Enthusiasm. अब energy और enthusiasm में फर्क क्या है? Enthusiasm 24 घंटा नहीं हो सकता है. Energy 24 घंटे हो सकती है. आप वहां भी energetic है, यहां भी energetic है, वहां भी energetic है, बाहर. Enthusiasm समय के हिसाब से आपको use करना पड़ता है. जब आप क्लास में बोलेंगे तब एक अलग लेवल का एंथुजियाज्म चाहिए, जब वन टू वन बात कर रहे हैं तब एक अलग लेवल का एंथुजियाज्म चाहिए. लेकिन आप एंथुजियाज्म अगर नहीं यूज करेंगे तो वही चीज, गहरा शब्द लोगों के दिल तक नहीं पहुंचेगा. एन आर, एल ई ए डी ई आर, विच इज कॉमन फॉर एवरीबडी. न्यूटन का लॉ से इस बात को समझाता हूं. Every action has its equal and opposite. Yes. If you don't give respect to people, you will never get respect from people. Impossible, sir. Agar aap dusro ko shraddha, samman, izzat nahi denge, to get ready for same treatment. Same treatment. Kabhi kabhi log kehte hain, maine duniya ka bhala kiya, duniya ne mere saath bura kiya. Aapko nahi pata, khuda ke paas account hoga, marne ke baad dikha dega wo. और जानकार तो ये कहते हैं कि हम स्वर्ग और नरक ऊपर में जाके नहीं मिलते, अपने साथ लेके जाते हैं. जैसी जिंदगी हम जीते हैं वैसी जिंदगी लेके जाते हैं. स्वर्ग के साथ जिएंगे तो हैप्पी, नरक के साथ जिएंगे तो हैप्पी. और जानकार यहां तक कहते हैं कि ऊपर बैठा ये सोच रहा है, अगर बंदा अच्छा है तो उसका ट्रांसफर कर दो, नरक में डालने की जरूरत नहीं है.
ईश्वर भी डरता है मुझे नरक में भेजने से, क्योंकि उसे डर है मैं नरक को स्वर्ग में ना बदलूं। डर है। और कहां है ईश्वर? मुझे तो कहीं मिला नहीं, इधर आपके भीतर, इधर यहां आपके एक्सप्रेशन में। इफ वी कांट फाइंड गॉड इन ह्यूमन बीइंग, हाउ कैन वी फाइंड इन हिमालया? आई डोंट अंडरस्टैंड। I've been to Himalayas. But Himalaya says, my friend, go and find your God in your mother, in your father, in your wife, in your husband, in your children, in your students. It is there inside. Michelangelo se kisi ne pucha, Michelangelo, tum bejaan pattharon se itni behtareen murtiyan kaise nikalte ho? माइकल ने बोला, पत्थर में मूर्ति पहले ही मौजूद है, मैं बेजान हिस्सों को हटा देता हूं, मूर्ति निकल आती है। द स्टैचू इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द पत्थर, आई रिमूव द बेकार इश्यूज एंड द मूर्ति कम्स आउट। दिस इज माय इंग्लिश, यू नो, टेक इट और लीव इट, दिस इज मी। इसी तरह मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ शुरू, एंड देन आई ट्रेन देम, किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, अपनी ग्रामेटिकल पार्ट, अपना लैंग्वेज, क्योंकि अगर आपको करना है तो फिर ठीक करना पड़ेगा, बट पहले डर तो निकाला जाए बोलने का। आर यू देयर विद मी? पहले फियर फैक्टर से तो मुक्ति हो इस बच्चे की। ये बच्चा मिरेकल कर सकता है, लेकिन इसको इतना दबा दिया गया है कि मिरेकल नहीं होता है। मेरी बात अगर कांटों की तरह चुभी हो तो उसे फूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी ही भूल समझ लेना। फिर कभी होगा तुम्हारा मेरा सामना, तब तक के लिए शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।